हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे हो गए और अच्छा करते रहोगे। सो आज का हमारा टॉपिक है मेरा फुल डे ऑफ डाइट, लाइक मैं कौन से फूड्स कंज्यूम करता हूँ पूरा दिन, जो मेरा स्ट्रेंथ बिल्ड करता है और मेरा बॉडी शेडेड रखता है। सो लेट्स गो। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आपको बेनिफिट क्या है ये वीडियो से। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, मैं 59 कैटेगरी में खेलता हूँ। सो मेरा गोल है 61 तक रहने को। सो मैं एवरी डे, मेरा कैलोरीज इनटेक है 2000 कैलोरीज। सो मैं ट्राई करता हूँ कि 2000 कैलोरीज के अंदर मेरा प्रोटीन गोल भी कंप्लीट हो जाए और लिमिटेड कार्ब्स गोल जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। सो उसके बेसिस पे मेरा फुल डे डाइट सेम रहता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम सेम डाइट लेता हूँ। सो वो आज मैं इसमें पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा दिन का रूटीन है, मैं दिन में 4 मील लेता हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक एंड देन डिनर। एवरी मील में मेरा कैलोरीज इनटेक फिक्स है, लाइक ब्रेकफास्ट में 500, लंच में 600, इवनिंग स्नैक में 400 एंड देन डिनर में 500। ये मेरा फुल डे कैलोरीज इनटेक रूटीन है। सो एवरी मील में मैं क्या खाता हूँ मैं वो अभी बताने वाला हूँ। मेरा पहला मील 10:30 को होता है, ब्रेकफास्ट मेरा। उसमें मैं सोया चंग लेता हूँ, चाय लेता हूँ एंड देन पीनट बटर ब्राउन ब्रेड एंड लास्ट उसमें 2 इडली ट्राई करता हूँ या फिर थोड़ा सा पोहा, बिकॉज सोया चंग से मेरे को प्रोटीन मिल जाता है एंड पोहा या फिर इडली और पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड से मेरे को कार्ब्स मिल जाता है। फिर आता है टाइम लंच का। लंच मेरा रहता है 2:30 को, उसमें मैं चिकन ब्रेस्ट लेता हूँ विद राइस और उसके साथ थोड़ा सा सैलेड रहता है। और ट्राई करता हूँ कि आधे घंटे बाद मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खा सकूँ, बिकॉज मेरे को आदत है फ्रूट्स खाने का। फिर आता है जिम का टाइम, मैं जिम जाता हूँ, 6 बजे तक मेरा जिम खत्म हो जाता है। आफ्टर जिम मैं लेता हूँ वे प्रोटीन मसल ब्लेस का और उसके साथ में 2 ब्रेड एंड पीनट बटर रहता है। फिर आता है डिनर का टाइम, डिनर में मैं ट्राई करता हूँ चिकन राइस अगेन फिर से खाने को, लाइक चिकन ब्रेस्ट एंड राइस। बट इफ अगर मेरे को बोर होता है वो खाने के लिए तो मैं ट्राई करता हूँ चिकन ब्रेस्ट को चिकन टिक्का जैसे बनाने को एंड देन फिर वो खाता हूँ। रात को मेरे को जितना एक्स्ट्रा मेरा कैलोरीज बचता है, मतलब अगर 100 कैलोरीज बचा या फिर 200 कैलोरीज बचा, सो मैं कुछ शुगर ही खाता हूँ, बिकॉज मेरे को आदत है शुगर खाने का। आइसक्रीम हो गया, फालूदा थोड़ा सा हो गया, जो भी हो गया, लाइक चॉकलेट्स हो गए, जो भी हुआ। ये हमारा हो गया फुल डे ऑफ डाइट के मैं क्या खाता हूँ। मेरा एवरी डे डाइट सेम ही रहता है मोस्टली। अगर मैं किधर बाहर गया, मतलब बाहर का ही खाते हैं हम लोग सब लोग अगर बाहर गए तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं एवरी मील में ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा वेजिटेबल्स खाने का, बिकॉज मेरा पर्सनल मील में कोई मेरा फिक्स कोई वेजिटेबल्स नहीं है। सो जो भी मेरी फैमिली, मतलब मेरी बहन मेरे को वेजिटेबल्स बना के देती है और जो भी मील मेरे पास रहता है वो मील में मैं ट्राई करता हूँ वो वेजिटेबल्स खाने को। ये हमारा हो गया माइक्रो न्यूट्रिशन का बात। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन का, अभी क्या क्या ले रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। मैक्रो न्यूट्रिशन के लिए मैं मसल ब्लेस का मल्टीविटामिन लेता हूँ, मसल ब्लेस का फिश ऑयल लेता हूँ, मसल ब्लेस का ही मैं टीसर्स लेता हूँ और मसल ब्लेस का ही ZMA भी लेता हूँ। ये वीडियो से आपको ये बेनिफिट है कि आप भी मेरे जैसे एक आपका प्रॉपर डाइट एंड मैक्रो न्यूट्रिशन अच्छा कर सकते हो, लाइक आपका मील एक टाइम पे सेट कर सकते हो, लाइक आपके अपने डाइटिशियन से मिलकर आपका खुद का आप माइंडसेट लगा के आपका क्या नीड है आपकी बॉडी को, आपका गोल क्या है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज इफ आपका माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन अच्छा हो गया सो आपकी प्रोग्रेस को, आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। सो आपने सुना ही होगा कंसिस्टेंसी मेक्स मैन परफेक्ट। सो मेरा भी सेम थिंकिंग है, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ हर चीज़ में और प्रोग्रेस आपके सामने है। एक साल पहले मैं कुछ नहीं था, लाइक 375 टोटल था मेरा और करंटली मैं 500 में भी हो चुका होगा। अभी तक मैंने मेरा प्यास नहीं चेक किया है, वो भी होएगा एक दो महीने, अभी तो मैं रिकवरी नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैं ठीक हो जाऊँगा देन वी गो बिग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ये वीडियो से मिला हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे को कमेंट्स में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए लाइक मेरे से रिलेटेड या फिर कुछ नॉलेजेबल वीडियोस, सो मैं बनाने के लिए रेडी हूँ। सो कमेंट में बता दो मेरे को। बाय, मिलते हैं।